हमने यूनिकार्ड और स्लाइस कार को कंपेयर करते हुए एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो के बाद यूनिकार्ड में इतने सारे चेंजेस हो गए थे कि उस रिव्यू को अपडेट करना थोड़ा जरूरी हो गया था। जैसे कि सम यूजर्स हैव रिपोर्टेड गेटिंग यूनी 1/2 कार्ड इंस्टेड ऑफ 1/3। दोनों ही कार्ड्स में कैशबैक एंड ऑफर्स थोड़े से डिफरेंट है। दे हैव ऑल्सो सेड दैट यूनी 1/2 कार्ड में दे आर गेटिंग 1.2% का कैशबैक इंस्टेड ऑफ द स्टैंडर्ड 1%। सो बेसिकली यूनिकार्ड में क्या क्या चेंजेस आ गए हैं एंड what should one know before taking this card, let's see in this video. As most of us know, UniCard is one of the few cards which offer credit limits to students with zero joining and annual fees. Most of us also know that UniCard is not a credit card. It can be said or termed more like a prepaid card. Basically, आप इस कार्ड से foreign transactions नहीं कर सकते हो, आप इस कार्ड से cash withdraw नहीं कर सकते हो और आप इस कार्ड से wallets like Paytm, Google Pay, etc. भी load नहीं कर सकते हो. So why is this card getting so much of love from the users? Major reason is that UniCard अपने users को बहुत ज़्यादा flexibility देता है. Let me explain you how. On their app, you have an option to convert a part or full-time bill into a 3 months EMI. Basically, अगर आपका किसी महीने 30,000 का बिल आया, आपके पास उतने पैसे नहीं है उस महीने देने को, आपने उस महीने में 10 ट्रांजेक्शन करी, सो यू हैव द चॉइस कि आप उन 10 ट्रांजेक्शन में से कौन सी वाले ट्रांजेक्शन को इस महीने के बिल में काउंट करना चाहोगे और जो बाकी बची हुई ट्रांजेक्शन है वो ऑटोमेटिकली 3 months EMI में कन्वर्ट हो जाएंगी एंड ऑब्वियसली यू गेट दिस फीचर फॉर फ्री. अनदर कूल फीचर अबाउट UniCard इज दैट अगर आप बाय चांस किसी महीने अपनी पेमेंट मिस कर जाओ तो यूनी डज नॉट चार्ज यू इंटरेस्ट फॉर दैट मिस्ड पेमेंट, ऑल्दो इट डज चार्ज यू लेट पेमेंट फीस एंड जो उसकी लेट पेमेंट फीस है इज रियली हाई एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल क्रेडिट कार्ड. लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ. जैसे कि आप देख रहे हैं अगर आप 15,000 की लेट पेमेंट करते हैं तो HDFC के केस में आपको 800 रुपए की पेनल्टी फीस देनी पड़ेगी. यूनी के केस में यही फीस हो जाती है 2,000 यानी कि 2.5 टाइम्स इन कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड क्रेडिट कार्ड्स. सो बेसिकली इफ यू गेट लेट इन योर पेमेंट्स यू विल बी चार्ज्ड हेवीली. One of the things that I appreciate about UniCard is their customer service, which is really good. I have personally experienced both their WhatsApp chat and call feature, and the response time on both the platforms has been really nice and prompt. ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि the similar platforms like Slice, Dhani, LazyPay really lack, and their customer service is horrible. एक गैस हमारा ये भी है कि क्योंकि शायद अभी UniCard के पास इतना स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस नहीं है सो दे हैव बीन एबल टू मेंटेन दिस गुड कस्टमर सर्विस बट वी रियली होप दैट इवन इफ देयर कस्टमर काउंट इंक्रीजेस दे आर एबल टू मेंटेन दिस सर्विस बिकॉज कस्टमर सर्विस इज रियली इंपॉर्टेंट. ये तो बात हो गई अच्छी बातों के बारे में, अब बात करते हैं UniCard की शॉर्टकमिंग्स के बारे में. देयर आर क्वाइट अ फ्यू. The biggest drawback of UniCard is the reward rate, which is 1% and is very low, even for a business card. I think this is the lowest reward rate in the business card category. There are so many lifetime free cards like ICICI, Amazon Pay, Axis Flipkart, which offer like 5% cashback, whereas UniCard just offers you 1%. Also, अगर आप अपनी payment को EMI में convert करा देते हो, तो आपको ये 1% भी नहीं मिलता. अनदर ड्रॉबैक ऑफ UniCard जैसे कि हमने शुरुआत में मेंशन करा था इज दैट यू कैन नॉट विथड्रॉ कैश फ्रॉम UniCard. ऑल्सो यू कैन नॉट यूज इट फॉर फॉरन ट्रांजेक्शन्स और यू कांट इवन लोड डिजिटल वॉलेट्स लाइक Paytm, गूगल पे एक्सेट्रा. सो बेसिकली आप इसको प्राइमरी कार्ड की तरह यूज कर ही नहीं सकते हो. अगर आपको एक एक्स्ट्रा कार्ड रखना है देन हाँ UniCard कैन बी कंसिडर बट इफ यू जस्ट वॉन्ट यूज वन कार्ड देन UniCard विल नॉट फिट द बिल. Another drawback of this card is that आपकी जो EMI है वो अभी सिर्फ 3 months में convert हो सकती है. अगर आप उसको 9 months या 12 months में convert कराना चाहो तो UniCard के पास अभी वो option नहीं है. But if we were to believe the news and articles, UniCard शायद ये feature जल्दी launch कर सकता है. Our last complaint from UniCard is that अगर आप इस card को 6 महीने तक use नहीं करते हो, then UniCard will go ahead and block your account, which we think is unfair. 6 months is too short a time for users जो कि क्रेडिट कार्ड को सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में यूज करते हैं. बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड को डेली बेसिस पे यूज नहीं करते हैं. सो अच्छाई हो गई, इसकी शॉर्टकमिंग्स हो गई. क्वेश्चन ये आता है जो आप भी सोच रहे होंगे कि यार UniCard के लिए अप्लाई करना है या नहीं, सीधे सीधे बताओ.
We feel that Unicard is better than the other competitors in terms of transparency, great user experience, easy onboarding and great customer service. So if you are a beginner and you are thinking of taking a card, then you can definitely go ahead with Unicard. You will get a good experience. You will also get a premium looking card along with a goodie bag to start your journey. But if you are somebody जिसको थोड़ा experience है and वो कोई ऐसा card चाहता है जिसको जिसमें उसको ज़्यादा reward points मिले, then this card is definitely not for you. There are much better lifetime free cards and even we have made a detailed video on lifetime free cards. You can watch this video right here. Let us know in the comments section अगर आप Unicard को लेने की सोच रहे हैं या नहीं. And if you have any doubts, let us know in the comment section as well. We'll be happy to help. Till then, BK5.